नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र के गणेश कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल सराफा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गणेश कॉम्प्लेक्स स्थित एक मल्टी के एक फ्लैट से बदबू आ रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मल्टी के फ्लैट नंबर 201 में देखा तो एक अधेड़ युवक की लाश दिखी, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम को सूचना दी। एफएसएल की टीम मौके पर आई और उन्होंने बताया कि शव 2 दिन पुराना है और अधेड़ का नाम श्रीकांत निगुड़कर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवा दिया गया है और बाकी पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि वह काफी समय से अकेले रहते थे। वहीं अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के कारणों का खुलासा हो सके। क्या जानकारी मिली थी? एक सज्जन यहाँ पर अकेले निवास करते थे फ्लैट में। 2-3 दिन से उनका रूम खुल नहीं रहा था और अभी आज कुछ महसूस हुई पड़ोसियों को, उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर हम लोग आए एफएसएल अधिकारी। सर आस पास पड़ोसियों से कुछ पूछताछ में कुछ सामने आया कि अभी तो जस्ट प्रोसेस शुरू हुई है, जैसे पंचनामा और निरीक्षण के बाद ही आगे कर रहे हैं। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट।